फ्रेंड्स, ये गेट 2016 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, और ये सिंपल गैस टर्बाइन ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है द रेशियो ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ सिंपल साइकिल टू दैट ऑफ रीजनरेशन साइकिल। तो सिंपल साइकिल और रीजनरेशन साइकिल के बीच इफिशियंसीज का रेशियो पूछा है। तो ईटा ब्रेटन जो सिंपल साइकिल की जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 1 अपॉन प्रेशर रेशो आर पी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और रीजनरेशन के साथ जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रेटन रीजनरेशन कितना होता है वो 1 माइनस टी मिनिमम बाय टी मैक्सिमम। अगर ये किसी को नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनको ये प्रूफ करके बताऊंगा ये कैसे होता है गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, दिस इज़ टू दिस इज़ वन। तो अब क्या करना है आपको, इसमें जो प्रेशर रेशो की वैल्यू दी है वो दी हुई है 6 और गामा की वैल्यू दी है वो है 1.4 और टी मिनिमम बाय टी मैक्सिमम का रेशो भी दिया है जो है 0.3। टी मिनिमम बाय टी मैक्सिमम का रेशो कितना दिया है 0.3 ये क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं। और तो हम सबसे पहले जो है सिंपल ब्रेटन साइकिल का फॉर्मूला अप्लाई कर इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल ब्रेटन साइकिल का फॉर्मूला अगर उसकी इफिशियंसी निकालते हैं तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये कितना आ गया, ईटा इक्वल टू वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 6 की पावर 0.4 अपॉन 1.4। तो ये आंसर आ गया आपका 0.4006। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे नहीं तो इस क्लास को अटेंड करने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप कैलकुलेटर लेकर जरूर बैठिए, सिंपल ब्रेटन का था। अब रीजनरेशन में हम फॉर्मूला रखते हैं रीजनरेशन, ठीक है ना। तो ये होता है 1 माइनस टी मिनिमम बाय टी मैक्सिमम का रेशो दिया है 0.3, ठीक है ना, और ये है 6 की पावर 0.4 क्योंकि गामा माइनस 1 1.4 माइनस 1 और ये गामा माइनस 1 अपॉन गामा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 तो ये 0.4 अपॉन 1.4 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4994। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास है, आप सिर्फ सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ईटा ब्रेटन अपॉन ईटा रीजनरेशन। तो ये आ गया आपका 0.4006 अपॉन 0.4994। तो ये आपकी आंसर आ गया 0.8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मुझे यही बताइए कि ये मेथड ज़्यादा अच्छा है बोर्ड वाला कि जो मेरे पहले की वीडियो है वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच।